दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा ओरिजिनल फोटो है ये वाला, और ये हो गया हमारा ड्रेस चेंज किया हुआ। तो दोनों में आप अंतर देख सकते हो कितना बेहतरीन है। तो कुछ इस टाइप से आप बड़े ही आसानी से आप ड्रेस चेंज कर सकते हो। अगर आप किसी भी फोटो में ड्रेस चेंज करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा कि कैसे आप बड़े ही आसानी से किसी भी फोटो में ड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों वीडियो देखते देखते आप लाइक करना भूल जाते हो। तो अभी आप हमारे वीडियोस को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो फोटो है। एक फोटो तो यहाँ पर हमारा ये ड्रेस का है, जिसमें कि इसमें सिर्फ ड्रेस है, और ये है उस बच्चे का फोटो जिसमें कि हम ड्रेस चेंज करके इस ड्रेस को इसके इस फेस में लगाना है। तो कैसे लगाएंगे इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो बिल्कुल ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये करना बहुत ही आसान है। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो किसी भी फोटो में आप बड़े ही आसानी से ड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये करते हैं कि हम इस फोटो को इसका एक PNG बनाना पड़ेगा, यानी कि इसका जो ये बैकग्राउंड है इसे हमें रिमूव करना होगा। रिमूव करने के लिए आपको गूगल क्रोम में जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है रिमूव BG। तो जैसे ही आप रिमूव BG सर्च करेंगे यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ये रिमूव बैकग्राउंड का एक वेबसाइट खुलेगा। अब इसमें आपको क्या करना है, इस फोटो को सिंपली इस प्रकार से यहाँ पे अपने यहाँ पे जा करके इस वेबसाइट में आपको फोटो को ड्रॉप कर देना है। फोटो ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे अपलोड होगा, देन उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड वाला बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका ये फोटो डाउनलोड हो जाएगा। आपको क्या करना है, अब इस फोटो को सिंपली यहाँ पर अपने फोटोशॉप में जाके ओपन कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो साइड में आप देख रहे हैं ये लेयर पैनल है, इसको ओपन करने के लिए विंडो में जाएंगे और यहाँ से लेयर बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका लेयर ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कि अभी आपका ये फोटो जो है कि आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ बाल वगैरह है, तो अगर आप इसको रिमूव करना चाहो तो यहाँ पे इरेजर टूल को यहाँ पे सेलेक्ट करके और इस यहाँ पे इसका डायमीटर को छोटा करके कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे आप कट वगैरह कर सकते हो हेयर को, ठीक है। और अब आपको क्या करना है कि अब आपको उस वाले ड्रेस को लेके आना है जिसमें कि हमें इसमें इसका जो है कि फेस चेंज करने वाले हैं, फेस ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास ये एक हो गया आपका ड्रेस, ये हो गया आपके पास ये फोटो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसे पहले क्रॉप करना है, ठीक है। तो यहाँ से इधर कट करने देना है, यहाँ से इधर इसको कट करेंगे, इस प्रकार से इसको कट करना है, ठीक है। इसका जितना भी ये कपड़े को छोड़ करके ये पूरा इसका सिर और गला दोनों को यहाँ पे कॉपी कर लेना है, इस प्रकार से सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद Ctrl+C करेंगे और यहाँ पर इस वाले फोटो पे Ctrl+V करेंगे। तो अभी हम इसको बड़ा करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है इसका यहाँ पे इस प्रकार से इसको लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो ये गला है इसको यहाँ पे मैच कराना है। Ctrl+T करेंगे और ये यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से इसे साइड में रखेंगे और Shift को प्रेस करके, ठीक है, Shift को प्रेस करके इस प्रकार से आपको बड़ा कर देना है और यहाँ पर आपको ऐड कर देना है कुछ इस प्रकार से, थोड़ा और बड़ा करेंगे इस प्रकार से। और अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये एडजस्ट हो रहा है कि नहीं, तो कुछ इस प्रकार से आपको एडजस्ट करना है। और अभी क्या करेंगे, यहाँ पे लेयर में देखेंगे तो यहाँ पे जो ये जो ड्रेस है इसको हम ऊपर करके देखते हैं। देखिए अभी यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है साइज, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं देखने के लिए कि कैसे हमारा चीज़ें सही होगा। तो अब यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। अभी आपको रिमूव करना है इसे, ठीक है, तो इसको इस प्रकार से थोड़ा सा ऊपर कर देना है और यहाँ पे आप सिलेक्शन टूल लेंगे इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार से इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और फीदर ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे 2 पिक्सल का फीदर ले लेंगे और डिलीट बटन दबाएंगे तो कुछ इस प्रकार से एडजस्ट हो गया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है, ठीक है। इसको हम ऊपर करके देखता हूँ तो अभी भी यहाँ पे ठीक लग रहा है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप बड़े ही आसानी से अब इन दोनों को हम मर्ज कर देते हैं, ठीक है। पहले हम आपको शो हाइड करते हैं, देखिए एडजस्ट कैसे हो गया, ठीक है। अभी हम इसको लिंक कर देते हैं Ctrl+E करके और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीका से हमारा जो है कि फेस यहाँ पे ऐड हो चुका है, ड्रेस चेंज हो चुका है। तो अभी इसके पीछे बैकग्राउंड देने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे एडजस्टमेंट टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे ग्रेडियंट्स पे क्लिक करना है
और यहाँ पर आपको कोई भी एक डबल कलर वाला ले लेना है। और यहाँ से अभी फिलहाल मैं ओके करता हूँ, ये एक सिंपली ठीक लगने के लिए मैं लगा रहा हूँ। तो कुछ इस टाइप से आप बड़े ही आसानी से आप फेस को जो है कि ऐड कर सकते हो, ड्रेस को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया ये ओरिजिनल फ़ोटो का, यहाँ पे देख सकते हो ओरिजिनल फ़ोटो है, और ये हो गया मेरा ड्रेस चेंज किया हुआ फ़ोटो। तो दोनों में आप अंतर आप देख सकते हो कितना बेहतरीन है।